डियर लर्नर, वेलकम टू लर्निंग फॉर ऑल। मैं सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर कम कोर्स कोऑर्डिनेटर, स्पेशल एजुकेशन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, अमर ज्योति स्कूल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आइए आज हम जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। यह लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत आता है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है, जो कि बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है, जो कि सबसे पहला लर्निंग थ्योरी में यह सिद्धांत आया था। यह सिद्धांत हर शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित विषय में संबंधित दिया गया है। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि डीएलएड, डीएड, बीएड एंड स्पेशल एजुकेशन एंड जनरल एजुकेशन के एग्जाम में आता ही आता है, तो इसे ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी बहुत ही उपयोगी वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए। और साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करिए, अपना वोट जरूर दीजिए। साथ ही यदि आप इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और इसी तरह आप महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहें। साथ ही अपने दोस्तों तक शेयर करिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे वो भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो देख सकें और लाभ उठा सकें। तो आइए आज सीखते हैं हम पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ पावलोव। सबसे पहले हम जानते हैं आईपी पावलोव के बारे में, यानी कि जो पावलोव हैं उनके बारे में, अबाउट ऑफ आईपी पावलोव। ये महोदय पावलोव हैं। पावलोव का जो पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव है, यानी कि इवान पेट्रोविच पावलोव। पावलोव का जन्म 26 सितंबर 1849 को रशिया में हुआ था, यानी कि 26 सितंबर 1849 को रशिया में पावलोव का जन्म हुआ था। पावलोव की मृत्यु यानी कि डेथ 27 फरवरी 1936 को रशिया में हुई थी, यानी कि 27 फरवरी 1936 को रशिया में पावलोव की मृत्यु हुई थी। पावलोव एक रूसी शरीर मनोवैज्ञानिक थे, रूसी शरीर यानी रूस के रहने वाले थे, इसलिए इनको रशिया यानी कि रूसी, और फिजियोलॉजिस्ट थे, इसलिए इनको रूसी शरीर मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने पाचन क्रिया के दहकी यानी कि साइकोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जो पाचन क्रिया होती है, जब हम पेट में खाना खाते हैं तो किस तरीके से वो पाचन क्रिया होती है, उसका उन्होंने अध्ययन प्रारंभ किया। और उनका अध्ययन इतना महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय हुआ कि 1904 में इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, यानी नोबेल प्राइज भी उनको दिया गया इस फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन सिस्टम के उन्होंने अध्ययन किया बेहतरीन तरीके से। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है, कंडीशनिंग का जो फादर ऑफ कंडीशनिंग कहा जाता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे कंडीशनिंग क्या है। पावलोव ने कुत्ते की पैरोटिड जो ग्रंथि का ऑपरेशन कर लार का एकत्रीकरण किया। इन्होंने अपने प्रयोग में जो किया, वो कुत्ता था, उनका लार की जो ग्रंथि थी उसका ऑपरेशन किया और एक पाइप लगाकर वो लार अपने पास जो एकत्रीकरण किया, ताकि हमें पता लग सके ये रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये था आईपी पावलोव के बारे में कुछ विशेष। आइए अब हम जानते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। पावलोव द्वारा किए गए पाचन क्रिया के दहकी के अध्ययन के पश्चात, यानी कि जो डाइजेशन सिस्टम पर उन्होंने स्टडी किया पावलोव ने, उसके तुरंत बाद उन्होंने लार्मय अनुबंधन की घटना का अध्ययन किया, जो सेलिवरी कंडीशनिंग थी, और इसे संबंधित सीखने के एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। यानी कि जो उन्होंने लार्मय अनुबंधन, जो सेलिवरी कंडीशनिंग की घटना का अध्ययन किया,
और उन्होंने इससे संबंधित एक बेहतर सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया जिसे अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत या कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का आधार अनुबंधन बताया, यानी कि कंडीशनिंग। अनुबंधन क्या है थोड़ा जानते हैं। अनुबंधन एक ऐसी यानी कंडीशनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा उद्दीपन यानी कि जो स्टिमुलस है तथा अनुक्रिया यानी कि जो रिस्पॉन्स है उसके बीच सहचर्य स्थापित होता है। यानी कि जब सहचर्य को हम संबंध कह सकते हैं, यानी कि जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक रिलेशन डेवलप हो जाता है तो उसे कहते हैं अनुबंधन। पावलोव के सीखने के इस अनुबंधन सिद्धांत को हम शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। शास्त्रीय क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत ही प्राचीन सिद्धांत है इसलिए, और साथ में इन्होंने कंडीशनिंग दे दी, रिलेशन दे दिया, इसलिए उनको शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के कुछ अन्य नाम हैं जो कि हम जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, पावलोवियन सिद्धांत। पावलोवियन सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि पावलोव ने दिया था। एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जानते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अनुबंधन का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग के नाम से भी जानते हैं। टाइप एस थ्योरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका जो प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, विदाउट स्टिमुलस के स्टार्ट ही नहीं होता, इसलिए उन्होंने एस थ्योरी टाइप एस थ्योरी के नाम से बताया। सहचर्य का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ एसोसिएशन, क्योंकि जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है उसके बीच रिलेशन बनता है, एसोसिएशन बनता है, उसके नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इवान पेट्रोविच पावलोव के चार स्तंभ, द फोर पिलर्स ऑफ इवान पेट्रोविच पावलोव, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है यूसीएस यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस, जिसको हम स्वाभाविक उद्दीपक के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है यूसीआर यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जिसको स्वाभाविक अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। ये दोनों एक नेचुरल है, प्राकृतिक है, जिनमें पावलोव ने किसी भी तरीके की कंडीशन नहीं लगाई है। जो थर्ड है सीएस यानी कि कंडीशन स्टिमुलस, जिसको अस्वाभाविक उद्दीपक के नाम से जानते हैं। सीआर यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स, अस्वाभाविक अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। अब ये दोनों एक यांत्रिक हैं, यानी कि मैकेनिकल हैं, इसलिए इनको यांत्रिक के रूप में जाने जाते हैं। तो मान लीजिए कभी सवाल आ जाए कि पावलोव द्वारा कौन से ऐसे दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रूप में जाने जाते हैं, तो वो हैं यूसीआर एंड यूसीएस, और जो मैकेनिकल जो यांत्रिक है वो है सीएस और सीआर। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड्स आने वाली हैं, इवान पेट्रोविच पावलोव का प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट ऑफ इवान पेट्रोविच पावलोव। पावलोव ने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर 1904 में किया, क्योंकि जब उन्होंने डाइजेशन सिस्टम पर 1904 में नोबेल पुरस्कार जीता, उसी सन में ही तुरंत उन्होंने अपना क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या कंडीशनिंग या सलीवरी या अनुबंधन का सिद्धांत पर प्रयोग किया, अध्ययन किया, इसलिए 1904 में ही उनका माना जाता है कि पावलोव ने 1904 में ही क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को दिया, और वो भी किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर, एक डॉग पर। पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग तीन चरणों में पूरा किया, थ्री स्टेजेस। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। जो प्रथम चरण है, जो फर्स्ट स्टेज है, वो है यूसीएस और यूसीआर यानी कि अनकंडीशनिंग कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि जो भोजन के रूप में है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, और यूसीआर यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जो लार के रूप में है, इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है। इस चरण में कुत्ते को सबसे पहले स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस, जो भोजन के रूप में, फूड के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रति कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया अनकंडीशन रिस्पॉन्स के रूप में लार प्रवाहित की, यानी कि सलीवा जो है उन्हें किसी भी तरीके का एक कंडीशन नहीं दिया गया, एक नेचुरल तरीके से उसने रिस्पॉन्स दिया, क्योंकि वो भूखा था, उसको एक जगह पावलोव ने रख दिया था, बांध दिया था, और उसने भूखा जो कुत्ता था उसने भोजन को देखा और लार टपका दी, जो कि एक नेचुरल है। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं।
जैसे कि सबसे पहले उसने क्या दिया, यूसीएस यानी कि भोजन, जो कि स्वाभाविक उद्दीपक है। फिर उस भोजन के द्वारा सीधा लार टपक गई, यूसीआर, जो कि स्वाभाविक अनुक्रिया कहते हैं। अब नेक्स्ट चित्र में देखिए, फूड मिला सेलिवेशन यानी कि सीधा लार टपका दिया उसने। तो ये एक नेचुरल चरण माना जाता है। कभी कभी सवाल में पूछा जा सकता है कि पालाव द्वारा किए गए अपने एक्सपेरिमेंट में उसके तीन चरणों में ऐसे कौन सा चरण है जिसको प्राकृतिक चरण या नेचुरल चरण, नेचुरल स्टेजेस के नाम से जाना जाता है। तो वह है प्रथम चरण या फर्स्ट स्टेज। ठीक है, आइए अब हम द्वितीय चरण यानी कि सेकंड स्टेज देखते हैं, जो कि सीएस यानी कंडीशन स्टिमुलस, जो घंटी के रूप में है, प्लस यूसीएस यानी कि साथ में यूसीएस यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस, जो कि भोजन के रूप में है, और यूसीआर यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स, जो कि लार के रूप में है। आइए इनका हम एक्सप्लेनेशन या विस्तार से देखते हैं। इस चरण में कुत्ते को अस्वाभाविक उद्दीपक, जो कि कंडीशन स्टिमुलस, जो घंटी के रूप में है, तथा स्वाभाविक उद्दीपक यूसीएस यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस, जो भोजन के रूप में है, प्रस्तुत किया गया कुत्ते के सामने, जिसके प्रति कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि अनकंडीशन रिस्पॉन्स के रूप में लार को प्रवाहित किया। यहां पर कुत्ते ने घंटी के बजाने पर लार प्रवाहित नहीं की है, घंटी के साथ में जो भोजन दिया गया है उसके आधार पर उसने लार प्रवाहित की है। आइए हम इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक इमेज है जिसमें दर्शाया गया है कि सबसे पहले पावलोव ने घंटी दी, या सीएस, ये जो कंडीशन स्टिमुलस है, जो अस्वाभाविक उद्दीपक है। इसके बाद उन्होंने साथ में यानी कि घंटी बजाते ही साथ में क्या किया, उसको भोजन दिया, जो कि यूसीएस के रूप में है, जिसको हम स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं। इसके बाद उन्होंने बराबर में देखा कि मिला क्या इन दोनों के करने से, कुत्ते के द्वारा लार टपकी, जो कि यूसीआर है, यानी कि कुत्ते ने इस प्रयोग में पहली बार में घंटी बजाने के आधार पर लार नहीं टपकाई, उसने भोजन के आधार पर लार टपकाई है, क्योंकि कुत्ता भूखा था और उसने भोजन को देखा और लार को टपका दिया। इस प्रक्रिया को हम अनुकूलन की प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें अधिक बार प्रयोग किया गया है। जब पहली बार पावलाव ने घंटी बजाया, साथ में भोजन दिया, तो कुत्ते ने लार टपकाई, जो कि भोजन के आधार पर लार टपकाई थी। लेकिन अगली बार दोनों ने जब स्टार्ट किया तो साथ में देखा कि घंटी बजाई पावलाव ने, और कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, कुछ सेकंड बाद भोजन दिया, फिर उसने लार टपकाई, जो कि भोजन के रूप में लार थी। लेकिन धीरे धीरे बहुत बार प्रयोग किया गया और उन प्रयोग में देखा गया कि अब जो कुत्ता था, डॉग था, अब एडॉप्टेशन कर रहा है वो, अब लर्निंग कर रहा है वो, अब वो सीख रहा है कि घंटी बजने के बाद ही मुझे भोजन मिलता है। तो धीरे धीरे उस सीख गया, लर्निंग किया, क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत अधिक बार प्रयोग किया गया। इसको अनुकूलन की प्रक्रिया भी कहा जाता है। कभी सवाल आ गया कंपिटेटिव एग्जाम में या किसी में कि पावलोव द्वारा प्रयोग किए गए, जो अपना एक्सपेरिमेंट किया डॉग पर, वो कौन से चरण को हम अनुकूलन की प्रक्रिया या एडॉप्टेशन की प्रोसेस कहते हैं, तो सेकंड चरण यानी कि द्वितीय चरण को हम अनुकूलन की प्रक्रिया कहते हैं। अब हम देखते हैं तृतीय चरण, जो थर्ड स्टेज है, जो सीएस यानी कि घंटी बजाई और सीआर आया, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस है और कंडीशन रिस्पॉन्स के तौर पर लार आई। इस चरण में कुत्ते को अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि सीएस, जो कंडीशन स्टिमुलस है, जो घंटी के रूप में दिया गया, प्रस्तुत किया गया, जिसके प्रति कुत्ते ने अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी कंडीशन रिस्पॉन्स या अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक कंडीशन के थ्रू वो लार को टपका रहा है, यानी कि कंडीशन के थ्रू, जो अनुकूलन के थ्रू उसने क्या किया है, एडॉप्ट किया है कि जब घंटी बजेगी तब मैं लार टपकाऊंगा, यानी कि खाना आने वाला है। इसलिए आइए हम यहां पर दो इमेज हैं जिनमें एक फर्स्ट इमेज को पहले देखते हैं। फर्स्ट इमेज में देखिए,
इसने क्या किया, पावलोव महोदय ने कि घंटी बजाई जो सीएस के रूप में है, घंटी, और इसके बाद उसने बराबर में देखा कि लार टपक गई। लार भी किस तरीके की है, सीआर, यानी कि कंडीशनिंग रिस्पॉन्स है। जो सेकंड इमेज है, उस सेकंड इमेज को हम देखते हैं कि घंटी बजाई, लार का टपकना हुआ, लेकिन ये यूसीआर है, कुत्ते ने लार टपकाई। ध्यान दीजिए, जो पहली इमेज है वो दर्शाती है कि कंडीशन के थ्रू कंडीशनिंग रिस्पॉन्स आया है, लेकिन जब कुत्ते की आदत पड़ गई तो वो उसके स्वभाव में बदल गया, यानी कि वह उसके अनकंडीशन में बदल गया। किसी भी तरीके का अब उसे कंडीशन नहीं लगता, क्योंकि उसने लर्न कर लिया है, वो एक नेचुरल हो गया है उसके लिए। हालांकि जो पावलोव महोदय थे वो सब इतना जानना चाहते थे कि क्या मैं घंटी बजाऊं तो क्या कुत्ते की लार आएगी, क्या ऐसा कंडीशन होगा, तो बिल्कुल उन्होंने इस पर सफल हुए और उनका यह प्रयोग भी बहुत अच्छा सफल हुआ, जिसमें उन्होंने घंटी बजाते ही फिर लार कुत्ते द्वारा निकलने लगी। लेकिन जो दूसरा चित्र है दर्शा रहा है कि घंटी बजाने के बाद जो लार टपक रही है वो एक, अब उस कुत्ते ने क्या किया, उसको कंडीशनिंग को भी अनकंडीशनिंग समझने लगा, क्योंकि उसकी आदत हो गई थी, और वो जो हैबिट में आ गया तो फिर उसको वो कंडीशन में नहीं और अनकंडीशनिंग समझकर उसको अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स के तौर पर लार टपकाने लगा। तो ये था पावलोव का तीन चरणों में किया गया एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। आइए अब हम देखते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का शैक्षिक निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसमें सबसे पहला है सतर्क रहना एवं सक्रिय भूमिका, यानी कि इसमें एक शिक्षक भी सतर्क रहता है और साथ ही साथ विद्यार्थियों को भी सतर्क रहना सिखा देता है, क्योंकि वो बार बार जो स्टिमुलस देता रहता है विभिन्न प्रकार के वीडियोज के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के सामग्री के माध्यम से, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज के माध्यम से, जिसमें बच्चे क्या हैं, एक रेडीनेस रहते हैं, बच्चे उत्सुक रहते हैं और अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो ये एक शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है ये सिद्धांत। बच्चे सतर्क रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि शिक्षक आ रहे हैं और अब हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर बल। कभी कभी क्या है कि जब भी शिक्षक क्लास में इंटर करते हैं तो विभिन्न प्रकार की बहुत सारी एक्टिविटी को दोहराते हैं, जिससे विद्यार्थियों और उनके बीच एक बेहतर एडजस्टमेंट स्थापित होता है। समायोजन स्थापित होना भी हम कह सकते हैं कि अनुबंधन है, क्योंकि होप, एडजस्टमेंट और लव एक विद्यार्थी और शिक्षक के प्रति स्थापित होना बहुत जरूरी है, जो कि पुनरावृत्ति करता है। हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सभी के पास जाना, टहलकर आना, पीठ थपथपाना, यानी कि वो क्या है, शुरुआत में ही वो रेडी हो जाते हैं। अब वो कंडीशनिंग के थ्रू बंध जाते हैं एक शिक्षक के प्रति कि आज अब हम इनसे सीखने को मिलेगा। उसके साथ साथ वो लर्निंग बहुत अच्छी उनकी होती है, तो ये पुनरावृत्ति बहुत जरूरी है। साथ ही अगर कोई टॉपिक सिखा रहे हैं तो पुनरावृत्ति के आधार पर उनकी कंडीशन उसमें लागू की जा सकती है। नेक्स्ट है कि भाषा सीखने के लिए विशेष उपयोगी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग, बहुत सारे एक्टिविटी का प्रयोग, बहुत सारे फैसिलिटी का प्रयोग जो शिक्षक करेगा, तो उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जो लैंग्वेज या शब्द आएंगे जिनसे विद्यार्थी सीख सकेगा। आदतों के निर्माण में विशेष उपयोगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्टिविटी की जाएंगी वो बार बार की जाएंगी, जैसे पावलोव ने बार बार एक्टिविटी किया एडॉप्टेशन के लिए, लर्निंग के लिए, इसलिए क्योंकि कुत्ते की आदत बदल गई कि वो पहले भोजन को देख करके लार टपकाता था, अब वो क्या किया, उसकी आदत बिगड़ी थी कि जब तक भोजन नहीं मिलेगा तब तक लार नहीं आएगी, अब उसने घंटी को देख करके भी लार टपकाने लगा, तो उसकी आदत में परिवर्तन हो गया। इसी तरह हमें विद्यार्थियों की आदतों में भी, अच्छी आदतों में भी विकास करना चाहिए, जैसे कि शिक्षक आए तो उनका सम्मान करना चाहिए। जब इसके साथ ही साथ जो सामग्री पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत सारे शिक्षार्थी होते हैं जो अपने में मस्त रहते हैं। साथ ही साथ इसमें शिक्षकों की भी आदतों का अच्छा निर्माण होता है, क्योंकि इससे वो शिक्षक एक्टिव रहते हैं कि विद्यार्थी कहीं भटक ना जाएं, इसलिए मुझे उचित तरीके की आदतों को यहाँ करना होगा, क्लास में उपयोग करना होगा।
यांत्रिक तरीके से सीखने पर बहुत सारी जो टेक्नोलॉजीज होती हैं आजकल, जितने भी कैप्शनिंग और इसके अलावा जितने भी प्रोजेक्टर, बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स, ये सब क्या है, एक प्रकार का यांत्रिक रूप से जो रिमोट लर्निंग, या यूं कहें कि टेली लर्निंग या ई लर्निंग जो एक्टिविटीज होती हैं, उससे भी विद्यार्थी सीखते हैं। आजकल का जमाना टेक्नोलॉजी पर अधिक जोर है, तो ये उपयोगी है काफी। नेक्स्ट है विविध सहायक सामग्रियों का उपयोग, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो यांत्रिक हो, बहुत सारे सामग्रियों का उपयोग करता है जो कि शिक्षक सीखते हैं, और साथ ही साथ शिक्षक के साथ साथ वो विद्यार्थी भी सीखते हैं। मान लीजिए क्लास में 30 स्टूडेंट हैं और या 20 स्टूडेंट हैं, तो 20+1 एक शिक्षक, 21 लोग वहां पर उससे सीख रहे हैं, उस सहायक सामग्री से। क्योंकि जैसे जैसे शिक्षक सिखाता जाता है, उसको भी एक विभिन्न तरीके का ज्ञान होता चला जाता है, और साथ ही साथ शिक्षार्थियों को भी ज्ञान होता है किसी टॉपिक के बारे में, किसी पर्सपेक्टिव के बारे में, किसी कंटेक्स्ट के बारे में, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में एक बेहतरीन तरीके से ज्ञान होता है जो उचित सामग्री का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है अनुकूलन की प्रक्रिया बल। अनुकूलन यानी कि जैसे जिस तरीके से पावलोव द्वारा एक बेहतरीन अनुकूलन किया गया कि पहले घंटी बजाता था फिर भोजन देता था, यानी क्या है, वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से जो हमारे क्लास में बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं, हमें ध्यान में रखना होगा कि सभी विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं हैं वो अलग हैं, इसलिए हमें अनुकूलन की तौर तरीके अपनाना होगा, विभिन्न तरीके से उनके आदतों में, अच्छी आदतों में विकास करना होगा जिससे बेहतर तरीके से विद्यार्थी सीख सकें और वो जिस किसी भी टॉपिक को अच्छे तरीके से सीख सकें, किसी में कोई दिक्कत ना आए, उनके अनुसार वातावरण क्रिएट हो जाए, चाहे वो HI हो, चाहे VI बच्चा हो, चाहे MR बच्चा हो, इंटेलेक्चुअल हो या सामान्य बच्चा हो, क्योंकि सामान्य में भी बहुत सारी विभिन्नताएं दिखती हैं। नेक्स्ट है अनुक्रिया करने पर बल। इससे क्या होता है, विद्यार्थी अगर एक्टिव रहते हैं, सतर्क रहते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और अगर उन्हें बेहतरीन आदतों का, अच्छी आदतों का विकास हो जाता है, समझ आने लगता है, उनको अपने जीवन में उपयोगी दिखता है, तो वो रिस्पॉन्स देने पर एक बेहतरीन तरीके से यह सिद्धांत बल देता है, तो इसके लिए भी सीख जाते हैं। संवाद की भावना का विकास, क्योंकि इसमें क्या है, जब एक्टिविटी होती है तो शिक्षक बार बार एक्टिविटी करता है, तो बार बार सवाल पूछना, अनुक्रिया करना, आपस में विद्यार्थियों के साथ संवाद करना, बहुत ही इस पर बल दिया जाता है, तो इससे क्या है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके अलावा जो एक झिझक या डर होती है, साथ ही साथ जो कोलाबोरेटिव एक्टिविटीज है वो बेहतरीन हो जाती हैं शिक्षक विद स्टूडेंट्स। सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र है। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर लागू है, क्योंकि हमने जब पावलोव के 3 स्टेजेस देखे, जो प्रथम स्टेजेस था जिसमें किसी भी तरीके की कठिनाई नहीं थी, यानी कि सरलता थी, उसमें उन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टेज में एक नेचुरल वे में फूट दिया और लार टपक गई, यानी कि कुत्ते को वहां पर सीखने की जरूरत नहीं थी, यानी कि जो चीजें जानता है पहले उसे दीजिए। इसी तरीके से हम अपने विद्यार्थियों को भी जो भी कॉन्सेप्ट को सिखाएं, जो भी कंटेक्स्ट में, जो भी पर्सपेक्टिव में, या जिस भी टॉपिक को या कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, सबसे पहले जानने वाली चीजों का, जानने वाले तत्व का उपयोग करें, बाद में वो धीरे धीरे कठिन या लर्निंग या एडॉप्टेशन करवाएं या हैबिट्स का निर्माण करें, तभी वो अपने आदतों में विकास करेगा और बेहतर तरीके से सीख पाएगा। थैंक यू सो मच, यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप दूसरे तक, अपने फ्रेंड तक शेयर करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।